नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय फजल कोल्ड याकूतगंज फर्रुखाबाद में, और यहां पे कुछ आलू की बिक्री हुई है। और ये हैं हमारे साथ सोहेल भाई हैं। अपना क्या नाम है भैया? कमलेश। और वो व्यापारी कहाँ गए तुम्हारे? आओ भैया आओ। क्या नाम है अपना? पवन सिंह। पवन सिंह, आप भी आलू खरीदते हैं क्या? किसान है, क्या करते हैं? काश्तकार हैं। आलू बेचा है आज? क्या आज नहीं, पहले ही बेच दिया। पहले ही बेच दिया? अच्छा, आज नहीं बेचा। आज कैसे बेचे हैं भैया? आज आलू बिके हैं 650 से 700 रुपये। 650 से 700 रुपये विद कोल्ड वाले के? विद कोल्ड वाले के 53 किलो की पैकेट? 53 किलो। यहाँ बिक्री अपनी वही 53 किलो के हिसाब से ही है? अच्छा, 650 से 700 रुपया ख्याति पुखराज। अच्छा, ख्याति पुखराज के रेट में कितना अंतर है? 20 रुपये का लगभग, मतलब डिफरेंस है। ये वाले आलू क्या था बिके अपने? ये ख्याति है, ख्याति है। ये वाले बिके 681 रुपया पैकेट, मीडियम क्वालिटी है। 681 रुपया पैकेट बिके हैं ये 53 किलो के हिसाब से। और ये इधर वाले थोड़े काली मिट्टी के हैं, ये वाले कटरी का है। अच्छा, सोई दिख रहा है, ये काली मिट्टी का ये भी है। ये क्या रेट बिके भैया? ये 671। अच्छा, ये देखो और मीडियम है, ये काली मिट्टी है दोनों की। ये थोड़ा ज्यादा है और ये मतलब उससे थोड़ा सा कम है। दोनों ही 671। 671 रुपया पैकेट बिके ये 53 किलो के साथ। किसान है कोई इसमें? कोई है? हाँ, किसान है। कोई बेचने वाला है इसमें? आपका है? कौन सा वाला आपका था? ये दोनों लाटें आपकी थी? अच्छा, कहाँ? गंगा पार का आलू है क्या? अच्छा अच्छा, वहाँ पे काली मिट्टी है आपके यहाँ। क्या रेट बिक गया? 671 रुपये विद कोल्ड वाले के। कोल्ड वाला इसमें आपको देना पड़ेगा, कोल्ड वाला किसान से पड़ेगा। और निकासी विकासी कैसी है इस टाइम पे? निकासी कितनी? 35। 35 हो गई होगी? सब में 35 नहीं हो पाई अभी। हाँ, सब में तो अभी मतलब 30% के आसपास ही होगी, मुश्किल की वो भी मुश्किल। ख्याति पुखराज के अलावा और कोई आलू की बिक्री हुई है लाल वगैरह की किसी की? नहीं, आलू ही नहीं हमारे में लाल नहीं है। नहीं। अच्छा, लाल कम है। 37-97 कोई है क्या? नहीं, 37 मतलब सिर्फ ख्याति पुखराज। अच्छा, नीचे बीजा कटा पड़ा हुआ है, बीजा कौन सा? पुखराज का ख्याति का काय का है? वो पुखराज बिका हुआ है क्या? बिका हुआ है। बिका हुआ है अभी? बिका है अभी, परसों बिका। परसों का जो ग्वालियर वाले ले रहे हैं उन्होंने लिया है क्या? ग्वालियर वाले। क्या रेट बिका है? अच्छा बीजा दिख रहा है मुझे वो। 1640 रुपया मतलब कुंतल 1600-1700। बीजा का रेट तो अभी हम कल गए थे फर्रुखाबाद, कल का के लिए परसों 22 रुपए तक बता रहे थे। डाउन होता है 208 का। 208 का तो बताया था कि 2800 रुपए से खुला और इसके बाद बेचा लोगों ने 2500-2400 भी बेचा। वो तो बढ़ता रहता है। तो इसी के हिसाब से शायद पुखराज का भी बीजा मतलब 2200 खुला होगा और फिर लोगों ने दिया कम में भी। चलो, वो नीचे भी है आलू कुछ कटे हुए मोड़े, वो भी देख लेते हैं फिर। और वो बीजा भी देख लेंगे। देखो बीजा तो, बीजा का रेट मेरे ख्याल से कम हुआ है। अच्छा, ये एक देखो कट रहा है, अभी बिकेगा। ये ख्याति है, मिक्स है, ख्याति पुखराज भी मिक्स है। ये है ख्याति पुखराज, थोड़ा मिक्स है भैया। ये क्या
81 681 है अच्छा। ये देखो ख्याति पुखराज भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्स है, मीडियम है एकदम, सुपर तो नहीं है, ये थोड़ा काला भी दिख रहा है ये। और ये बिका 681 रुपया पैकेट विद कोल्ड भाड़े थे। आज पहली लाट बेची है क्या? हाँ, पहली लाट। कहाँ से हैं आप? टांडा बहरामपुर। टांडा बहरामपुर, इससे पहले बेच चुके कि नहीं? अच्छा, पहले क्या रेट बिके? बहुत महंगे क्या? तो 700 साढ़े सात सौ तो बिके रहे, 700 तो बिके थे आलू। अच्छा, एक आध बिक गए। अच्छा अच्छा, देखो कुछ लाटे यहाँ पे बिकी हैं, ये जो दिख रहे हैं ये मोड़े कटे हुए, ये इनमें बताओ कौन सा क्या रेट बिका है। ये मोटा वाला क्या रेट बिका? ये 681 पुखराज है, पुखराज 681। इनमें से ये वाले ये नहीं बिका। अच्छा, ये वाला बिका नहीं, ये वाला बिका मीडियम वाला 71 रुपये, 670 रुपया पैकेट बिक्री 53 किलो से है। और इनमें से कोई बिका है ये? ये देखो वही मीडियम क्वालिटी है ये, इसमें कुछ गुल्ला बुल्ला भी मिक्स है, और ये कुछ इसमें चेचक जंग वगैरह भी है। ये बिके हैं 660 अच्छा 665 रुपया 665 रुपया पैकेट। तो आपका है क्या भैया? कोई किसान है क्या इसमें? हाँ, दादा आपका कौन सा वाला था? अपने आलू पास जाओ। नहीं, ये बने रहो, वो है आलू का। इधर देखो कौन सा वाला है आपका? ये वाला आपका तो बिका नहीं, दादा है? क्या पैसे लगे थे इसके? 675 लगे। अच्छा, बेचा नहीं आपने। देखो ये ख्याति है ना, ख्याति है ये, 675 रुपये लगे थे पैकेट के, ये बिका नहीं है। आपने कितना डिमांड किया था? 700 अच्छा। आज तो आज 700 में कोई बिका है कि नहीं बिका? आज कोई 91 तक बिके हैं। अच्छा, तो ऊपर में रेट 91 तक रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें कोई सुपर क्वालिटी के तो नहीं है, ये सब जो है मीडियम ही है। हाँ, जबकि ये वाला आलू कलर में अच्छा, लेकिन साइज में वहाँ पे छोटा है। और वो पीछे वाला वो है आपका पुखराज भी है, मोटा है लेकिन कलर में वो भी अच्छा नहीं है। और इनमें भी जो आलू हैं ये कलर में थोड़े मतलब और साइज में भी डाउन है। सुपर क्वालिटी तो है नहीं इसमें कोई। सुपर क्या 700 तक निकल सकता है क्या? हाँ, निकल सकता है, 711 तक सुपर अगर बढ़िया ख्याति है तो। अच्छा, और बीजा और देख लेते हैं वो बीजा अपना। ये देखो बीजा है पुखराज का, ये पुखराज का बीजा। ये क्या रेट बिका है? 1640 सभी ये मतलब यहाँ पे सब बीजा ही कटा हुआ है पूरा, जितना भी है ये सब 1640 रुपया पैकेट बिका है। अच्छा, ये 53 किलो से होगा, ये 50 किलो ये सूख के 50 किलो ये मतलब इसकी तौल होगी सूख के, छटाई भी नहीं होगी, 50 किलो। अच्छा, 1640 रुपया पैकेट बिका पुखराज का बीजा। ये सब बीजा ही है देखो, यहाँ से लेके और ये इधर तक जो है सब बीजा है पुखराज का। लिया क्या करते थे दादा अपना? इसी कोल्ड में रहते हैं, सर्विस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या काम काम क्या है अपना? यही अपना सेट में। अच्छा अच्छा, जिम्मेदारी है। अच्छा, बीजा की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, क्या रेट बिके बीजा? ये 1640 रुपये का, 1640 रुपये तैयार करके, तैयार मतलब सुखा के बिना के, इसके बाद तो 1640 रुपया क्विंटल। हाँ, 1640 रुपया क्विंटल। और ये भर्ती तब 50 किलो रहेगी? 50 किलो 500 ग्राम 500 ग्राम मतलब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जिंदा दिया जाता है इसलिए। अच्छा, ये सारे सब बिके हुई है सब 1640। ये देखो सारा बीजा ही है ये, और ये यहाँ से सब पुखराज का बीजा है ये, 1640 रुपया पैसे देखो। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये मतलब ये लोग ग्रीडिंग कर रहे हैं इसकी। और बाकी मोटा मोटा जो होगा वो निकल जाएगा क्या? मोटा मोटा निकाल लेते हैं, छोटा भी निकाल लेते हैं मीडियम तो क्या वो किसान को वापस लेना पड़ेगा? ये चलेगा,
हाँ ये वापस है और ये वाला मतलब ये किर्री वापसी होगी ये वापसी है। अच्छा ये किर्री वापसी हो जाएगी भाई, और इसमें अगर कोई मोटा निकलेगा तो मोटा भी वापस हो जाएगा। अच्छा वो भी वापस जाएगा। अच्छा तो ये देखो सब ये सुखा के ग्रेडिंग करके और ये किर्री आपकी निकल के वापस हो जाएगी। अगर मोटा आलू कोई होगा जैसे वो उधर पीछे कोने में पड़ा है वो वापस हो जाएगा, और बाकी ये जो आलू जो छांट के जो है ये बिका है 1640 रुपया क्विंटल। और बीज को हाँ हाँ ये साइज ये वाला जो है ये साइज मतलब गुल्ला साइज जो है गुल्ला साइज जो ग्वालियर वाले है ना। हाँ ये किर्री साइज जो है ये व्यापारी लोग ग्वालियर से आते हैं। अच्छा आपने 1640 में बेच दिया, उधर फरुखाबाद में बता रहे थे 2200 रुपए तक बिक रहा है। अरे बिक रहा होगा यहाँ तो फिलहाल हमारे यहाँ यही रेट होता। अच्छा परसों गए तो 2200 रुपए रेट बताया कि 2200 रुपए रेट खुला है यहाँ तो नहीं खुला। अच्छा आपका दादा क्या है? आलू है इनका बीज किसान। ये आपका ही है? ये नहीं इनका ऊपर पड़ा है ऊपर कटा है आपका। आपका क्या रेट बिका भाई? 1640। अच्छा सब 1640 ही बिका। अच्छा ऊपर नहीं कोई पहुँचा? इससे ऊपर कोई नहीं पहुँचा। अच्छा और अभी पुखराज का ही बीजा बिक रहा है कि दूसरा भी कोई बिक रहा है? 208 भी तो 208 अपने यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे 208 यहाँ होगा नहीं, फरुखाबाद कोल्डो मिल जाता है खाली 208 की बिक्री हो रहा है। अभी ख्याति व्याति बीजा की कोई डिमांड नहीं है ना? नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है साहब बहुत बहुत धन्यवाद।